हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप मेरे सारे ट्रिक्स के एंड कंसेप्ट के वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं जो आपके लिए ट्रिक्स लेके आया हूँ, उससे आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए बिना बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं मेंस के एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि आपका मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या फिर नॉन प्लेनर होगा, ये आप कैसे पता करोगे मेरे ट्रिक से। तो सबसे पहले प्लेनर का क्या मतलब है कि अगर जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपने लिया है उसमें सारे के सारे एटम अगर एक ही प्लेन में आ रहे हैं, जैसे ये बोर्ड के प्लेन में ही सारे एटम हैं, कोई भी बोर्ड के प्लेन से बाहर नहीं जा रहा है, तो उसको बोलेंगे प्लेनर। और आगे से मैं इसको पी से रिप्रेजेंट करूँगा। ध्यान दें, ऑल एटम ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड लाइंग इन सेम प्लेन। और अगर सपोज करो कि कोई आपके पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऐसा है जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक एटम ऐसा है जो इस बोर्ड के प्लेन से बाहर आ जा रहा है, इस बोर्ड के प्लेन से आउट है, तो उसको बोलेंगे नॉन प्लेनर। और शॉर्ट फॉर्म में मैं उसको अब एनपी से रिप्रेजेंट करूँगा। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की, जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं। और ये जो ट्रिक्स हैं ये मेरे खुद के क्रिएट किए हुए हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले, इसलिए यू कैन बेट ऑन रफ़ी सर ट्रिक्स। तो देखिए कि अगर आपको पता करना हो कि आपका स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर, आप कैसे करेंगे? वेरी सिंपल ट्रिक्स। देखो, आपको क्या कर लेना है, काउंट नंबर ऑफ सिग्मा, डैट मीन्स सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लेना है, एंड लोन पेयर। लोन पेयर वो कौन सा? लोकेलाइज, डैट मीन्स जो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, जो एक ही एटम पे है वो आगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आगे शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो वैसे लोन पेयर को काउंट करना है। और सिग्मा बॉन्ड, डैट मीन्स सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लेना है। ये कोई भी कर सकता है, राइट? तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर ये तो बहुत ईजी काम बता दिया आपने, सिग्मा बॉन्ड अभी काउंट करके देता हूँ, लोन पेयर अभी देता हूँ। तो अगर तुम ये दोनों काउंट कर लिए तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर, वो भी सिंपल ट्रिक से। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो, हमने काउंट कर लिया, किसका काउंट करना वो भी क्लियर है, जितने भी सेंट्रल एटम हैं उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, जितने भी सेंट्रल एटम हैं उन सबके सिग्मा और लोन पेयर को हमने काउंट कर लिया। अगर वो काउंटिंग, ध्यान से देखो, अगर वो काउंटिंग, ट्रिक का पॉइंट ये है, अगर वो काउंटिंग 31 आ रहा है या 40 आ रहा है, डैट मीन्स क्या हो गया, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, या फिर 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, इस टाइप से। पहला वाला सिग्मा है, जो नंबर फर्स्ट है वो सिग्मा है, सेकंड वाला लोन पेयर। सिमिलरली इधर जो नंबर है वो पहला सिग्मा है, दूसरा वाला लोन पेयर। तो ये काउंट कर सकते हैं, सिग्मा और लोन पेयर काउंट कर लो। अगर वो 31 आ रहा है, 41 आ रहा है, 51 आ रहा है, 61 आ रहा है, अच्छा देखो ये नंबर याद रखना बहुत ईजी है, 31, राइट? उसके बाद 10041, 10051, 10061, वेरी सिंपल। 31 41 51 61 का क्या मतलब है, 3 sigma 1 lone pair, 4 sigma 1 lone pair, 5 sigma 1 lone pair, 6 sigma 1 lone pair, अगर ये होता है तो ये स्ट्रक्चर आपको पक्का नॉन प्लेनर होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, कि अगर कहीं पे 4 sigma 0 lone pair, 5 sigma 0 lone pair, 6 sigma 0 lone pair, 7 sigma 0 lone pair, अगर ये आ रहा है तो ये सब भी आपके नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे। और इसको कैसे याद रखेंगे, तो वेरी सिंपल, 40 उसके बाद 10 जोड़ो, राइट? सम में आपको कितना ऐड कर देना है, 10। तो 40 50 60 70, 40 से पहले 31 41 51 61, डेट्स वेरी सिंपल। ये नंबर याद रखना, अगर ये सिग्मा और लोन पेयर का काउंट, ध्यान रहे पहला सिग्मा है दूसरा लोन पेयर, अगर ये काउंट आ रहा है तो आपका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होगा, अदरवाइज हर केस में वो प्लेनर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की, आप मेरे ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो वेरी सिंपल, देखो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है CH4, तो इसमें आप काउंट कर लेंगे, राइट? 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, 40 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये नॉन प्लेनर। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, राइट? तो नॉन प्लेनर। सिमिलरली इसमें काउंट करो तो आपके पास 2 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर आएंगे, राइट? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं बताया तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर। इसमें काउंट करो आपको 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो 31 बताया था तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। इसमें काउंट कर लो आपका 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर।
कौन कौन था, 31, 41, 51, 61 एंड 40, 50, 60, 70, डैट ये टोटल 8 नंबर थे जिसको हम इजीली याद रख सकते हैं। जैसे अगेन PCL5, तो इसमें क्या है, 5 सिग्मा, 0 लॉन पेयर, 50 हो गया तो नॉन प्लेनर। नाउ इसमें आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके कि इसमें आपके पास 4 सिग्मा आ जाएंगे और 1 लॉन पेयर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से नॉन प्लेनर। यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो सारे एटम हैं ये कार्बन है, राइट, और ये कार्बन अगर है तो सब में आप ध्यान से देखो, सब कार्बन का आपके पास 3 सिग्मा 0 लॉन पेयर है, तो इसकी वजह से तो अभी तक ये प्लेनर है। बट इसको देख लो, ये वाले नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा, लॉन पेयर सिंगल डबल से, इसलिए ये काउंट नहीं करेंगे। तो इस नाइट्रोजन का अगर काउंट करेंगे हम तो उसमें भी 3 सिग्मा और 0 लॉन पेयर अभी बोलना पड़ेगा, राइट। इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। हमने बताया था कि वो लॉन पेयर जो लोकेलाइज्ड हो, रुका हुआ हो, यहाँ पे ये लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो इसलिए ये काउंट नहीं करेंगे। तो सब 3 प्लस 0 वाला है तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा आपका, प्लेनर। क्यों, क्योंकि वो उस नंबर में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 6 सिग्मा 0 लॉन पेयर 60, तो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। यहाँ पे 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं था। यहाँ पे 4 सिग्मा 2 लॉन पेयर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, प्लेनर। इस तरह से ऑर्गेनिक में भी दे दे आपको तो भी आप कर सकते हो। मैंने एक पॉइंट लिखा था ऑल सेंट्रल एटम, यहाँ पे ये भी एक सेंट्रल है, ये भी एक है, ये भी एक है, सबका चेक करना आपको। तो यहाँ पे इसका देखें तो 4 सिग्मा 0 लॉन पेयर, कोई भी एक अगर आ गया तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, नॉन प्लेनर। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सारे कार्बन को चेक करना पड़ेगा, राइट, मॉलिक्यूल में जितने भी सेंट्रल एटम है सबको चेक करना है, और इन सब का 3 सिग्मा 0 लॉन पेयर है, सबका 3 सिग्मा 0 लॉन पेयर होगा, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लेनर। अगर मॉलिक्यूल में एक भी ऐसा सेंट्रल एटम निकल गया जो आपका फॉलो कर रहा है इस नंबर को, 31, 41, 51, 61 को, और 40, 50, 60 और 70 को फॉलो कर रहा है, तो फिर वो नॉन प्लेनर होगा, बाकी केस में प्लेनर होंगे। देख लो, विदाउट ड्रॉइंग स्ट्रक्चर आप प्रोफेसर के ट्रिक से बता सकते हो कि आपका मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा। नाउ मैं अब आपको एक और ट्रिक देने जा रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो देख लिए, उसके लिए वेरी सिंपल ट्रिक है मेरा, कंसेप्चुअल ट्रिक एंड ओनली ट्रिक्स। कंसेप्चुअल ट्रिक्स में ये पॉइंट है कि आपको अगर पता करना हो कि आपका गिवन मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, तो उसके लिए ये 4 पॉइंट को फॉलो करना आपको। पहला पॉइंट ये है कि ड्रॉ एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान दें, एक्चुअल शेप मॉलिक्यूल का ड्रॉ करना है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में आपको मैं बता रखा हूँ। उसके बाद क्या करना है, एक एरो ड्रॉ करना है या वेक्टर, आपको किधर से, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होंगे उधर से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ आप क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगर लोन पेयर है सिर्फ, तो क्या करेंगे सर, अगर मॉलिक्यूल डेट मीन्स सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर है, तो आपको ड्रॉ करना है एरो या वेक्टर ऑलवेज अवे फ्रॉम लोन पेयर, लोन पेयर से अवे ड्रॉ करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर थिंक करना है, कि जैसे वेक्टर में एडिशन कर तो वैसा ही आपको करना है। अगर रिजल्टेंट सारे जो आपने ड्रॉ किए एरो या वेक्टर उसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो वो मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, उसमें नॉन पोलर बोलेंगे। और अगर वो रिजल्टेंट 0 नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे पोलर। ध्यान दें, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है, बस देखना है कि रिजल्टेंट 0 होगा या नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर 0 हुआ तो नॉन पोलर, नहीं 0 हुआ तो पोलर। और वेक्टर में आपको मालूम है कि अगर ऑल वेक्टर इक्वल एंगल पे और इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उसके रिजल्टेंट 0 होते हैं। नाउ ट्रिक्स, तो ट्रिक्स में देखो, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसमें देख लिया कि सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम हैं, जैसे PCl5, SF6, CH4 इस टाइप के, अगर सारे और सराउंडिंग एटम सेम है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, तो पक्का वो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, नॉन पोलर। आपको आंख बंद करके उसको बोल देना, नॉन पोलर। सेकेंड पॉइंट कि अगर एक ही लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, अगर एक ही लोन पेयर है तो कैसे पहचानेंगे, तो वो पक्का फिर ऑलवेज पोलर होगा, अगर एक ही लोन पेयर है तो ऑलवेज पोलर। नाउ अगर दो लोन पेयर है सर, तो
तो अगर दो लोन पेयर 180 डिग्री पे, डेट मीन्स एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं, तो फिर वो मॉलिक्यूल ऑलवेज आपका क्या होगा, नॉन पोलर। एंड अगर तीन लोन पेयर आ जाते हैं सर तो क्या होगा, तो अगर तीन लोन पेयर इक्वल एंगल पे आ रहे हैं, डेट मीन्स 120 डिग्री एंगल पे आ रहे हैं, एक ही केस ऐसा होता है, तो अगर तीन लोन पेयर इक्वल एंगल पे आ रहे हैं तो फिर मॉलिक्यूल आपका क्या रहेगा, नॉन पोलर। अगर अदर दो आइटम फिर सेम है, अगर वो दोनों आइटम डिफरेंट होंगे तो फिर पोलर हो सकता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर सारे सराउंडिंग सेम है तो नॉन पोलर, एक लोन पेयर है तो पक्का पोलर, इसकी 100% गारंटी है, इसकी 100% गारंटी है कि अगर सराउंडिंग एटम सारे सेम है तो नॉन पोलर होगा, अगर एक भी लोन पेयर आ गया है सेंट्रल एटम पे तो वो पोलर होगा। नाउ अगर दो लोन पेयर आते हैं और वो 180 पे हैं और उसके बाद सराउंडिंग एटम आपका सेम है तो फिर नॉन पोलर, अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो जाएगा तो फिर पोलर हो सकता है, राइट। और थ्री लोन पेयर अगर इक्वल एंगल पर आ रहे हैं, अगेन सराउंडिंग एटम सेम है तो फिर नॉन पोलर होगा, अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो फिर पोलर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो, मैंने लिया CH4, तो मैं इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ अपने ट्रिक से, राइट। कैसे कि आप ध्यान से देखो तो सारे सराउंडिंग एटम सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो डायरेक्ट आप इसको बोलेंगे क्या, नॉन पोलर। यहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नॉन पोलर। NH3 में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें वन लोन पेयर आ जाएगा, राइट। तो मेरे आप उस ट्रिक के पॉइंट से बता सकते हो, एक लोन पेयर है तो ये क्या रहेगा, ऑलवेज पोलर। अगर एक आपका लोन पेयर होगा तो सराउंडिंग एटम सेम हो, डिफरेंट हो, डजन मैटर, आपका वो पोलर होगा। यहाँ पे भी आप ध्यान से देख सकते हो कि एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से आपका पोलर। वाटर में दो लोन पेयर है, राइट, दो लोन पेयर है, बट दोनों लोन पेयर 180 डिग्री पर नहीं आ रहा है, तो 180 डिग्री पर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उस ट्रिक के पॉइंट से पोलर, राइट। SF4 में बात करें तो एक ही लोन पेयर है, राइट, अगर एक लोन पेयर होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, पोलर। तो अब ध्यान से देखो, मैंने ये वो वाले एग्जांपल लिया जिसमें विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर अगेन वी कैन से कि पोलर होगा नॉन पोलर होगा, और वो भी सिंपल रफी सर्किट्रिक से। क्या करना है, अगर सारे सराउंडिंग सेम है तो नॉन पोलर, और अगर एक ही लोन पेयर कंटेन कर रहा है तो पोलर, दो लोन पेयर है बट वो 180 पे नहीं है तो भी पोलर, और अगर यहाँ पे फिर से एक लोन पेयर है तो पोलर होगा, राइट। नाउ इधर आते हैं, कुछ ऑर्गेनिक के इस टाइप से दे देंगे, तो ध्यान से देखो तो ये एक सिमेट्रिक, यहाँ तक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, राइट, तो ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे, जैसे इसके हाइड्रोजन से ये कैंसल आउट होंगे, ये सब एंटी पोजिशन पर सब कैंसल, और यहाँ पर Cl से Cl भी कैंसल हो जाएंगे, तो ये आपका नॉन पोलर हो जाएगा, ये आपका नॉन पोलर हो जाएगा, राइट। नाउ अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैसे ही कंसर्ट से बच्चे बोल देते हैं कि इधर OH है, इधर OH है, कैंसिल कर देगा, ऐसा नहीं है, ये O पे दो लोन पेयर भी है, ये भी ध्यान रखो, राइट। तो और इसका स्ट्रक्चर V शेप में बनाना, इसलिए हमने ऐसा बना करके बताया, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कभी जीरो नहीं होने वाला है, तो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा रहेगा, पोलर, राइट। XeF4 में आप देख सकते हो दो लोन पेयर है, राइट, दो लोन पेयर है, सराउंडिंग चारों सेम है, और दो लोन पेयर है वो 180 पाते हैं, इसलिए डायरेक्ट आप क्या बोलेंगे, इसको नॉन पोलर। अगर दो लोन पेयर हो और सारे सराउंडिंग सेम हो और लोन पेयर 180 पे आ रहे हो तो पक्का नॉन पोलर। वैसे ही यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास तीन लोन पेयर आएंगे और तीनों लोन पेयर जो है वो इक्वल एंगल पे हैं, डेट मीन्स 120 पे, और सराउंडिंग अगेन सेम है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन पोलर। यहाँ पर ध्यान से देखो, सारे सराउंडिंग आइटम सेम तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो आप देख सकते हो विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर, अगर वो मेरे ट्रिक के चार पॉइंट अगर आपको मालूम है तो आप इजीली बता सकते हो। नाउ जाते जाते एक ज्ञान की बात, तो देखो अगर मैंने NH3 लिया और NF3 लिया, ये लेने का मेन रीज़न है कि इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट, NH3 का आपका इस टाइप से हो जाएगा और NF3 का भी आपका इस टाइप से हो जाएगा, राइट। एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी आपको बताया था जो मेरा कंसेप्चुअल ट्रिक था उससे कैसे आप पता करेंगे, उसका एप्लीकेशन की भी बात हो गई है,
तो आपको बोला था कि ड्रॉ एक्चुअल शेप, तो मैंने ड्रॉ कर दिया एक्चुअल शेप। सेकेंड पॉइंट कि आपको एरो या वेक्टर ड्रॉ करना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन लेस है इससे मोर, बॉन्ड के अलोंग ही दिखाना है। तो एक वेक्टर इधर दिखाया मैंने, एक वेक्टर ये दिखाया, एक वेक्टर ये दिखाया, और इन केस ऑफ थर्ड पॉइंट लोन पेयर अवे फ्रॉम लोन पेयर तो एक ये दिखाया। तो आप देख सकते हो इसमें चारों वेक्टर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सब एक ही डायरेक्शन में चारों वेक्टर ऐड होंगे, तो इसका रिजल्टेंट डेट इज म्यू डायपोल मोमेंट, म्यू या रिजल्टेंट आपका ध्यान से देख सकते हो कि जीरो नहीं होने वाला, बस आपको ये देखना होगा या नहीं होगा, तो जीरो नहीं होने वाला है, इसलिए यह मॉलिक्यूल कैसा रहेगा आपका पोलर। सेम इसमें भी लगाते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो अब आपको एरो कैसे दिखाना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आपको दिखाना है। अच्छा याद कैसे रखना है, तो ऑलवेज दुनिया का हर आदमी क्या क्या चाहता है, लेस से मोर की तरफ जाना, तो इसलिए लेस से मोर की तरफ दिखाना है, सिंपल। यहाँ पे भी दिखा दिया यहाँ पे, और लोन पेयर में ऑलवेज अवे फ्रॉम लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये तीन वैक्टर ऐड होंगे राइट, ऐड होकर के इस साइड में आएंगे आपका, और ये वेक्टर अपोजिट में होगा राइट। तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो भी डाउन आ रहा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे भी आपका म्यू या रिजल्टेंट जीरो नहीं होने वाला है, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपका कैसा है पोलर। नाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा, ऐसा पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब एक तरफ ही ऐड हो रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट ज़्यादा होगा, इसमें तीन ऐड हो रहे हैं एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट थोड़ा कम होगा। तो कभी अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि NH3 और NF3 में कौन ज़्यादा पोलर है, तो डेफिनेटली आपका NH3 ज़्यादा पोलर होगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आप इजीली बिना स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए हुए बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, एंड प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा। तो देखो जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर को बनाने में, आप तक ये ट्रिक्स पहुँचाने में, वैसे ही आपको मेहनत करनी है, इस वीडियो लेक्चर को सही से देखना है, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है या जहाँ से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसको आपको लगा के देखना है कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। थैंक यू।